दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज दूत और मैं हूं आपका दूत सुधीर उपाध्याय। अब नारायणगंज में बवाल मच गया है। नेशनल हाईवे जो महाकौशल को छत्तीसगढ़ से जोड़ता है, नारायणगंज में इन समय जाम लगा हुआ है। जाम का कारण है एक किशोर युवा युवक की मौत। जी हाँ, मैली गांव का किस्सू सिंगरौरे नाम का लड़का, जिसकी उम्र महज 25 से 30 वर्ष थी, वह बीजा डांडी में फांसी लगा पाया गया। गांव वालों का आरोप है कि उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी किस्सू की, लेकिन बीजा डांडी थाने की पुलिस ने न केवल उसको हैंगिंग केस को निकाला और ना ही शव की परिजनों से कोई सलाह मशविरा की और ना ही प्रचार प्रसार किया, और दूसरे ही दिन किस्सू को बीजा डांडी पुलिस ने दफना दिया। बस यही एक आरोप के कारण यह हंगामा बरपा हुआ है। ग्रामीणों की मांग है कि बीजा डांडी थाने के पूरे स्टाफ को सस्पेंड कर दिया जाए, क्योंकि वे जानबूझकर एक गरीब परिवार के युवक की लाश को दफना दिए हैं बिना परिजनों को पूछे। इस समय भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जाम लगा हुआ है, हंगामा चल रहा है, ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। इस समय विधायक निवास मौके पर पहुंच चुके हैं। अब ग्रामीणों की मांग है कि जिलाधिकारी घटना स्थल पर पहुंचें और कठोर कार्रवाई करें। बताया यह भी जाता है कि युवक वर्तमान में जो तमाम पूरे समूचे जिले में नशे का व्यापार चल रहा है, उसका भी कहीं ना कहीं शिकार हो गया था। धन्यवाद। जय हिंद।